हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में 5 से 6 टाइम करंट क्यों लेता है, मतलब स्टार्टिंग हाई करंट क्यों लेता है। तो इसको जानने के लिए पहले हम समझेंगे, जैसे कि मोटर दो टाइप का होता है, एक सिंक्रोनस मोटर होता है और एक एसिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर में उसमें जो सिंक्रोनस स्पीड होता है मैग्नेटिक फील्ड का और रोटर का, दोनों सेम होता है। जबकि एसिंक्रोनस मोटर में मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो रेटेड सिंक्रोनस स्पीड होता है, बट उसका रोटर जो है रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है, जिसे हम स्लिप कहते हैं। और इसी को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, स्टेटर स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड, और यदि हम इसको घटा दें रोटर स्पीड से तो जो हमको निकल के आ जाएगा वो रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो इसी रिलेटिव स्पीड के कारण जो है, जब रिलेटिव स्पीड हाई हो जाता है तो इसको कम से कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि कोई 4 पोल का मोटर है, तो उसमें मेरा जो है रोटर का स्पीड 1460 या 1440 होता है। तो जैसे कि हम उस मोटर में सप्लाई अप्लाई करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो जब हम सप्लाई जैसे ही ऑन करेंगे एक स्टैंड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड से रन करेगी, बट उसका रोटर अभी तक मूव ऑन नहीं हुआ है, वो अभी तक स्टैंड स्टील कंडीशन में है, बना हुआ है। तो सबसे पहले जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तो उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो रेटेड आरपीएम से मूव ऑन करती है, घूरती है, बट रोटर उतना फास्ट जो है नहीं रोटेट हो पाता है, जिसके कारण स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग उसके आरपीएम तक अचीव कर लेता है, बट रोटर अभी भी स्टैंड स्टील कंडीशन में है। इसलिए जब स्टेटर और रोटर का रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं तो उस टाइम जो है एकदम मैक्सिमम होता है। तो उस रिलेटिव स्पीड को मैक्सिमम से 4% करने के लिए या फिर कम से कम करने के लिए एक झटके में वो स्टार्ट होना चाहता है मोटर, जिसके कारण से वो इंडस करंट लेता है, इंडस करंट या फिर स्टार्टिंग हाई करंट। तो स्टार्टिंग हाई करंट इसलिए लेता है कि वो जो रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम है उसको एक झटके में कम किया जा सके, जिसके कारण मोटर में एक जर्क प्रोड्यूस होता है, स्टार्टिंग जर्क प्रोड्यूस होता है, जिसे हम स्टार्टिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। और इस रिलेटिव स्पीड के कारण ही मेरा स्टार्टिंग में हाई स्पीड करंट लेता है। थ्योरेटिकली बात करें तो ये 5 से 6 टाइम बोला जाता है, बट प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो 3 से 4 टाइम्स ये स्टार्टिंग करंट लेता है। डिपेंड करता है मोटर के स्पीड पे, मोटर के किस टाइप का है, किस एप्लीकेशन पे यूज किया जाता है। और अब जैसे कि हम बात करें कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है। जब हम मोटर में थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले स्टेटर वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वाइंडिंग में, थ्री फेज वाइंडिंग में। और जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रोटर रहता है तो रोटर में वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। उसमें स्क्वायरल केज का बात करें तो उसमें भी एक वाइंडिंग होता है जो कि कम रसिस्टेंस होता है, दोनों इंड में स्क्वायरल केज से साइड शॉर्ट सर्किट रहता है। तो उसमें भी इस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर का जो केज टाइप रोटर है, रोटर वाइंडिंग में भी एक वोल्टेज डेवलप होता है।
और वोल्टेज डेवलप होने के कारण उसमें भी उसका भी एक करंट होता है। जब उसका करंट होता है तो उसके करंट के कारण, रोटर के करंट के कारण एक फ्री मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंट्रेक्शन होता है तो इसी के बीच में रिलेटिव स्पीड बनता है कि स्टेटर का जो स्पीड है और रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ और वो जो और रोटर में वोल्टेज के इंड्यूस होने के कारण उसका जो अब मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन हुआ, इसी के बीच में जो है रिलेटिव स्पीड होता है, और जो रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो इसी रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है कि रोटर में कितना वोल्टेज डेवलप होगा, उसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसी रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है। ये जैसे कि स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में मेरा बहुत ज्यादा रिलेटिव स्पीड के कारण उसमें जो है रोटर में हाई वोल्टेज, मतलब ज्यादा वोल्टेज जनरेट होता है। रनिंग की अपेक्षा स्टार्टिंग में ज्यादा वोल्टेज डेवलप होता है, उसके कारण करंट फ्लो होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो इसलिए वो स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेता है, ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, ज्यादा करंट वो लेगा, तो इसके कारण स्टार्टिंग में करंट हाई होता है। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं, और इसी को बोलते हैं कि जब रोटर में वोल्टेज स्टैंड स्टील कंडीशन में नहीं डेवलप किया हुआ रहता है तो वहां पे उसी को बोलते हैं कि बैक ईएमएफ। जैसे जैसे कि मेरा मोटर रन करते जाएगा तो इसमें बैक ईएमएफ जो है वोल्टेज डेवलप होते जाएगा, और फिर उस वोल्टेज के कारण उसको कंपनसेट करेगा, और धीरे धीरे 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1000 से जब रेटेड तक जाते जाते वो नॉमिनल करंट लेने लगेगा, जैसे कि उसका नेम प्लेट पे रहता है, फुल लोड से थोड़ा सा कम तक वो रनिंग में आ जाता है, इसे हम नॉमिनल करंट बोलते हैं। और इस प्रकार से मोटर ऑन होता है और वो स्टार्टिंग करंट से धीरे धीरे रनिंग करंट की ओर जाता है और फिर स्मूथली रन करने लगता है। थैंक यू।